नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंघाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लाउड चैम्बर के बारे में हमने पढ़ लिया था, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे बबल चैम्बर के बारे में। तो बबल चैम्बर का नाम सुनते ही हमें एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ पर बबल्स बनेंगे यानी बुलबुले बनेंगे। तो बबल चैम्बर क्या है, ये बेसिकली कैसे काम करते हैं, हालांकि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन रहेगी, इसकी वर्किंग क्या रहेगी, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ओवरऑल इमेज जान लेते हैं कि ये करता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, ये कैसे काम करता है। थोड़ा सा हम वर्बली जब इसको समझ लेंगे तो उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन भी समझ आएगी, वर्किंग भी समझ आएगी और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी इसकी समझ आएगी। तो चलिए ओवरऑल इसके एक पिक्चर बना लेते हैं कि इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि एक सुपर हीटेड लिक्विड लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि सुपर हीटेड लिक्विड होता क्या है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि जब किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट कर दिया जाए, यानी बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर हो जाए तो हम उसे सुपर हीटेड लिक्विड कहेंगे। तो सुपर हीटेड लिक्विड बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर हमने उसे बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा अगर उसको टेम्परेचर कर दिया तो वो बॉयल हो जाएगा, लेकिन हमें उसे लिक्विड फॉर्म में रखना है फिर भी उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा उसका टेम्परेचर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड को मान लीजिए कि हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं। इस लिक्विड को जैसे हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो इस लिक्विड में जो वेपर्स बनेंगी उसकी वजह से इस वेसल पर या एटमॉस्फेयर पर एक वेपर प्रेशर लगेगा। यानी वेपर प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, इस मटेरियल की वजह से, इस लिक्विड की वजह से लग रहा है। और इस लिक्विड पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी सरफेस पर लग रहा है और वेपर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर एकदम इक्वल हो जाते हैं तब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड है वो बॉईल करना स्टार्ट करते थे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर कब बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जैसे ही हम गर्म करते हैं तो इसका ए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इसका वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाते हैं और ये जो वाटर है हमारा बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम क्या कर दें कि इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें, यानी ए की जो वैल्यू है, मान लीजिए कि पहले जो है ए की वैल्यू 25 यूनिट्स थी, मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पहले 25 यूनिट्स थी। यूनिट क्या होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। 25 यूनिट्स हमने ली हुई थी और इसको हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा करके हमने 40 कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर और ज़्यादा हो तभी ये बॉयल हो पाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं ताकि ये बॉयल हो। तो वेपर प्रेशर को 40 करने के लिए हम इस लिक्विड को क्या कर सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी, मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस वाटर को इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म बिना बुलबुले बनाए, मान लीजिए कि 120 नहीं 119 कर लेते हैं और ये 40 नहीं हुआ 39 ही है, यानी बुलबुले बनने स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म कर दिया। कैसे किया, इस पर प्रेशर बढ़ा के। तो सिंपल सी बात है कि किसी लिक्विड को सुपर हीटेड स्टेट में लाना है तो क्या करिए कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दीजिए। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि यहाँ पर हमने सुपर हीटेड लिक्विड हाइड्रोजन लिया है। लिक्विड हाइड्रोजन को सुपर हीटेड स्टेट में रखा, यानी ये जो है इसका टेम्परेचर जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म है फिर भी ये उबल नहीं रहा। क्यों नहीं उबल रहा, क्योंकि इस पर हमने एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है जो कि इस पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहा है, वेपर प्रेशर इतना नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से ये बॉइल करना स्टार्ट नहीं होगा। अब ये तो हमने बात की कि अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि बुलबुले नहीं बनने चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप किसी मटेरियल को, किसी लिक्विड को गर्म करते हो और अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करोगे तो उसमें बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पानी को उबलते हो आपने देखा होगा उसमें कई बार बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कब, जब वो और बहुत ज़्यादा उबल जाता है, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर हमने पहले तो क्या किया कि बुलबुले नहीं बनाने, ये हमने कहा। क्यों कहा, क्योंकि अगर इसमें पहले से ही बुलबुले बनते होंगे तो हम अल्फा बीटा पार्टिकल को अंदर डाल करके क्या उखाड़ लेंगे, ये समझ आया आपको, ठीक है। तो ऐसे में हमें बुलबुले नहीं बनने देना, लेकिन इसको सुपर हीट हमने कर लिया।
पहली चीज। उसके बाद सुपर हीटेड और प्रेशर हमने हाई प्रेशर इस पर लगा रखा है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, पूरी थ्योरी इस पर डिपेंडेंट है। अब इधर से तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इधर से तो हम ये प्रेशर रिमूव करते हैं। इधर से जैसे ही प्रेशर रिमूव करेंगे वैसे ही हम यहाँ से इसके अंदर अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंटर करवा देंगे, यानी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इधर से हम एंटर करवाएंगे। ये चार्ज पार्टिकल अपना वही काम, आयनाइजेशन वाला काम, कि जब भी ये इस, मान लीजिए कि ये इनका ट्रैक है, मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल हमने डाला, ये उसका ट्रैक है, तो इस ट्रैक के आसपास के जो जितने भी इसके साथ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उनको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, यानी उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल देगा और आयन को अलग से छोड़ देगा। तो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव पॉजिटिव इसके ट्रैक के आसपास बन जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, आयनाइजेशन कर दिया, और इधर से हमने क्या किया कि इस प्रेशर को हटा दिया। अब सोच करके देखो कि ये जो वाटर है, मान लीजिए वाटर की बात कर रही है, यहाँ पर हम लिक्विड हाइड्रोजन की बात करें, लेकिन एक बार लिक्विड जो वाटर का एग्जांपल है उसको लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि वाटर 120 डिग्री सेल्सियस पर है और उस पर प्रेशर लगाया हुआ था, तब भी इसमें बबल्स नहीं बन रहे थे, और अगर हमने ये प्रेशर रिमूव कर दिया तो ये नॉर्मल वाटर हो गया, और नॉर्मल वाटर 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा या नहीं करेगा, करेगा। यानी जैसे ही हमने इस प्रेशर को रिमूव कर दिया वैसे ये जो सुपर हीटेड लिक्विड है इसके अंदर बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो बुलबुले हैं सबसे पहले कहाँ पर बनेंगे, इन आयंस के ऊपर बनेंगे। अब आयंस के ऊपर जैसे ही सबसे पहले बुलबुले बनेंगे वैसे ऊपर आने वाली लाइट जो है इन पर गिरेगी, ये चमकेंगे, चमकेंगे तो कैमरा में कैप्चर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये बबल चैम्बर काम कैसे करता है। पहले हम सुपर हीटेड लिक्विड रखते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं ताकि वो बॉयल ना हो, यानी उसमें बबल्स ना बने। पहले बबल्स नहीं बन रहे हैं, जैसे ही हमारा अल्फा पार्टिकल अंदर आता है वो जैसे ही आयनाइजेशन करता है वैसे ही हम प्रेशर रिमूव कर देते हैं। जैसे ही प्रेशर रिमूव करेंगे वैसे ही ये जो है बुलबुले बनने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आयंस के ऊपर बुलबुले बनेंगे, सबसे पहले आयंस पर बुलबुले बनेंगे, ये सुपर हीटेड लिक्विड की प्रॉपर्टी मान लीजिए आप, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बनेंगे वैसे ही हमने ऊपर से लाइट गिरा, ये लाइट गिराने से ये चमकेंगे, कैप्चर हो जाएंगे कैमरा में, और हमें इसका ट्रैक जो है क्लियरली दिखाई देगा, किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने लिक्विड हाइड्रोजन ही क्यों यूज़ किया, तो वो हम इसके जो प्रिंसिपल है उसमें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर इन ए टेम्परेचर अबव इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देन सडन रिलीज ऑफ प्रेशर लीव्स द लिक्विड इन ए सुपर हीटेड स्टेट। एक ही लाइन में हमने पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन हमने बता दी, क्या क्या हमने उसके अंदर बनाया है, क्या क्या हमने उसके अंदर किया है, और यही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सिंपली कि हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको हीट किया उसके नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उससे ज़्यादा, क्या करके उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके, उसके बाद जैसे ही सडन प्रेशर रिमूव किया वैसे ही वो सुपर हीटेड स्टेट में आ गया। इफ़ ए हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू सच अ सुपर हीटेड लिक्विड, अगर इस सुपर हीटेड लिक्विड में से चार्ज पार्टिकल हम पास करवाएंगे, प्रोड्यूसेस इंटरेक्शन इन विच आयन पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये मटेरियल के साथ इस तरह की इंटरेक्शंस करेगा कि वहाँ पर आयन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। बबल्स आर फॉर्म ऑल अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच आर फोटोग्राफ टू गेट द रिकॉर्ड ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है जहाँ से जाएगा उसके ट्रैक के आसपास बबल्स बनेंगे, बबल्स फोटोग्राफ्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, यानी उसका जो ट्रैक है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब हमारे पास यहाँ है कि ये जो मटेरियल था वहाँ पर हमने लिक्विड हाइड्रोजन ही क्यों लिया, हमने वाटर क्यों नहीं ले लिया नॉर्मली। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर है कि लिक्विड हाइड्रोजन इज फिल्ड इन द चैम्बर बिकॉज हाइड्रोजन एटम गिव ए हाई कंसेंट्रेशन आयन इन द लिक्विड, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर ज़्यादा सारे हाइड्रोजन एटम्स यानी उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आयन्स ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होंगे। आयन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हमारे को ये जो ट्रैक है वो क्लियरली दिखेगा, इसके लिए हमने जो है लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया। ये चीज हमें समझ आ गई। अब इसका प्रिंसिपल हमने समझ लिया, प्रिंसिपल इसका थोड़ा सा बड़ा था, डायग्राम हमने देख लिया, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसके बाद वर्किंग देखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स लिखने वाले हैं। बबल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स हैविंग थिक ग्लास वॉल्स, यानी इसके पास एक यानी बबल चैम्बर के पास एक बॉक्स है जो कि किससे बना है, थिक ग्लास वॉल से बना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द बॉक्स फिल्ड विद लिक्विड हाइड्रोजन इज टेकन अंडर हाई प्रेशर, यानी यहाँ पर जो लिक्विड हाइड्रोजन हमने भर रखा है इस चैम्बर के अंदर, उसको हमने हाई प्रेशर के अंडर रखा हुआ है। दूसरी चीज़ हमें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है, इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ चैम्बर कॉन्स्टेंट, अब इस चैम्बर का टेम्परेचर भी तो हमें कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट, इट इज़ सराउंडेड बाई लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड नाइट्रोजन शील्ड, यहाँ पर एक लिक्विड नाइट्रोजन की शील्ड बना दी जाती है पूरे चैम्बर के चारों तरफ, ताकि इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रह सके, क्योंकि हमें टेम्परेचर भी तो इसका बना करके रखना होगा ना। दो चीज़ हमें क्लियर होगी, तीसरी चीज़ हमें क्लियर होगी। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अ बीम ऑफ हाई एनर्जी आयनाइजिंग पार्टिकल इज अलाउड टू एंटर द चैम्बर फ्रॉम अ साइड विंडो, साइड विंडो से अल्फा बीटा पार्टिकल्स, जो भी चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कराए जाते हैं, और बबल चैम्बर की एडवांटेज भी होती है कि ये जो हाई वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल है या हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल है उनको भी डिटेक्ट कर पाती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, उसको हम आगे आगे हालांकि पढ़ेंगे। द चैम्बर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल पीसेज ऑफ ए लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्डर 25 kg। अब यहाँ पर हमें ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई किया, तो अगर आपने वीडियो पहले वाली देखी है जहाँ पर आपने क्लाउड चैम्बर के बारे में पढ़ा था, तो क्लाउड चैम्बर में हमने साफ साफ पढ़ा था कि हम क्लाउड चैम्बर पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ताकि हमारा जो अल्फा बीटा पार्टिकल जो हमने वहाँ पर इंसिडेंट करवाए हैं वो क्या करे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो वही लॉजिक यहाँ पर रहता है कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए, क्योंकि हम क्या कर देंगे, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब इस पर अगर हम बी मैग्नेटिक फील्ड इसके राइट एंगल में लगाते हैं, यानी इस तरफ इसकी वेलोसिटी वी से ये मूव कर रहा है, और मार्कर की डायरेक्शन में हमने बी अप्लाई कर दिया, बी हमने जैसे ही इस पॉइंट पर अप्लाई किया वैसे ही, क्योंकि ये इसके जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राइट एंगल में लगा है, तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस वेलोसिटी के से राइट एंगल की जो डायरेक्शन होगी वहाँ पर लगेगा, और इसको हम फिंगर्स के थ्रू यहाँ पर इजीली देख भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम माने कि ये मान लीजिए कि इस तरह से, अगर मान लीजिए कि इस तरफ से देखते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी वेलोसिटी हो गई, इधर हमारी वेलोसिटी है, ये फिंगर हमारी पार्टिकल को शो कर रही है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, और इस पर जो है अंदर की डायरेक्शन में हमने बी अप्लाई कर दिया यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर इसके लंबवत एक फोर्स लगेगा, यानी एफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। जब एफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो क्या होगी, ये इस पार्टिकल को इस तरह से मूव करवाएगा, तो पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसको इस तरफ मूव करवाएगा, तो इस तरह से पार्टिकल जो है इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी वो इस तरफ जाने लगा उसको इधर मोड़ लिया, 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 यानी सर्कुलर पाथ में मूव कराया किसने, इसको एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी फोर्स ने, और ये जो है सर्कुलर पाथ में, यानी यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा वो इस क्यू वी बी के इक्वल होगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एम ई स्केयर बटा में आर, तो ये जो है वी वी कैंसल और क्यू बी इंटू आर क्या हो जाएगा हमारे पास एम वी, जहाँ पे आर जो है सर्कुलर पाथ की रेडियस है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारा कैमरा कैप्चर करेगा इस सर्कुलर पाथ को तो उसे हमें रेडियस पता चल जाएगी। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास है, तो एम वी यानी एम वी क्या होता है, मोमेंटा, चार्ज पार्टिकल का मोमेंटा हमें समझ आ जाएगा, मोमेंटा आ जाएगा तो हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे, हालांकि इसका डेरिवेशन हम हमारी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो वहाँ पर सेम ही रहेगा। द हाई मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ में वो मूव करे, इसलिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन इसकी समझ आ गई, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्किंग के अगर हम पॉइंट्स देखें तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द आयन प्रोड्यूस्ड इन द बबल चैम्बर बाय हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल
इन द लिक्विड एक्ट्स एज लोकल हीट सेंटर्स अराउंड विच द सुपर हीटेड लिक्विड क्रिएट्स टिनी बबल्स। तो पहले ही हमने इसकी वर्किंग थोड़ा सा समझा दी, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो इनिशियली अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग से अगर हम देखें, लिक्विड इज कैप्ट अंडर प्रेशर इनिशियली बिकॉज व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल पासेस थ्रू इट द प्रेशर इज रिमूव्ड सो दैट इट गेट्स सुपर हीटेड एट लो प्रेशर। द इनकमिंग पार्टिकल आयनाइज द नेबरिंग पार्टिकल। अब जो इनकमिंग पार्टिकल है वो उसके जो नेबर के पार्टिकल्स होंगे यानी नेबर के जो एटम्स होंगे उनको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा नेबरिंग पार्टिकल। द होल ट्रैक बिकम सोर्स ऑफ आयन ऑन विच बबल्स आर फॉर्म। पूरा का पूरा ट्रैक होगा, वहाँ पर आयन्स बन जाएंगे, आयन के ऊपर बबल्स बन जाएंगे, और जैसे ही बबल्स बनेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड बाय इल्यूमिनेटिंग द बबल चैम्बर। इल्यूमिनेट करेंगे उस बबल चैम्बर को, कैसे, ऊपर से हम लाइट गिराएंगे तो ये चमकेंगे, चमकेंगे तो कैमरा में इनकी पिक्चर्स क्लिक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग हमने समझ ली, अब इस बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, बेसिक एडवांटेजेस इसके क्या रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर क्लाउड चैम्बर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लाउड चैम्बर की डिसएडवांटेजेस पूछी जाती हैं, और अगर हम बबल चैम्बर की बात करें तो वहाँ पर एडवांटेजेस पूछी जाती हैं। तो इसके एडवांटेजेस पर क्वेश्चन बनता है, ना कि डिसएडवांटेजेस पर, और इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो फटाफट से एडवांटेजेस ऑफ बबल चैम्बर देखते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिक एडवांटेजेस आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल एडवांटेजेस है। द बबल, फर्स्ट इसके एडवांटेज है, द बबल चैम्बर इज सेंसिटिव इवन टू लो आयनाइजिंग पार्टिकल। अगर लो एनर्जी के आयनाइजिंग पार्टिकल होंगे तब भी ये आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइजेशन की वजह से हमारे बबल्स बनेंगे, बबल्स की वजह से हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, यानी बबल चैम्बर जो है वो लो एनर्जी के पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो पहले इसकी एडवांटेज ये हो गई। सेकंड एडवांटेज क्या होगी कि यहां पर हमने कौन सा मटेरियल लिया, लिक्विड हाइड्रोजन लिया। तो ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की हम डेंसिटी हाई लेते हैं, ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम द चांसेस ऑफ रिकॉर्डेड इंटरैक्टिंग कॉस्मिक रेज फेनोमिना इज इंक्रीज। यानी कॉस्मिक रेज, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कॉस्मिक रेज क्या है, कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल है वही कॉस्मिक रेज है। कॉस्मिक रेज पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। तो फिलहाल आप इनको चार्ज पार्टिकल ही ले लीजिए, तो वो जब रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने के जो उस समय जो इंटरेक्शंस होंगी वो हमें साफ दिखाई देंगी, क्योंकि जब हमारा जो पार्टिकल है वो अंदर आएगा, जैसे ही वो एंटर करता है तो जैसे ही लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर स्लोली मूव करेगा, जिसकी वजह से आसानी से हम उसके ट्रैक को ऑब्जर्व कर पाएंगे। द सेंसिटिव, थर्ड इसकी जो एडवांटेज है वो है, द सेंसिटिव टाइम ऑफ बबल चैम्बर इज वेरी शॉर्ट सो द बैकग्राउंड ड्यू टू अनवांटेड ट्रैक्स इज रिड्यूस्ड। यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, बार बार जब हम ये साइकिल करते हैं तो इसके बीच में जो टाइम लैग होता है उस टाइम अगर कोई पार्टिकल एंटर कर गया तो वो पार्टिकल डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड चैम्बर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इसमें प्रेशर यानी वो दोबारा से रिकवर जब करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब आएगा, यानी एक पार्टिकल को डिटेक्ट इसने कर लिया, उसके बाद ये जब दोबारा से रिकवर करेगा अपने आप को तो इसको बहुत कम टाइम लगता है। तो शॉर्ट टाइम की वजह से अगर कोई यानी ट्रैक्स बनेंगे वो ज़्यादा ट्रैक्स बनेंगे, यानी हम ज़्यादा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है, द बबल्स ग्रो रैपिडली एंड एज अ रिजल्ट द ट्रैक डू नॉट डिस्टॉर्ट्स। यानी जो बबल्स हैं वो फटाफट से बन जाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो ट्रैक जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, नहीं, वो फटाफट से बनेगा, कैप्चर हो जाएगा बस। द बैकग्राउंड ड्यू टू द ओल्ड ट्रैक्स इज नॉट प्रेजेंट। यानी पहले का अगर कोई ट्रैक बना हुआ है तो जैसे ही हम प्रेशर दोबारा से अप्लाई करेंगे तो बहुत कम टाइम में वो अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले जो बबल बनेंगे बने थे वो फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे और नए बबल बन जाएंगे, फिर नए बबल फटाफट से ख़त्म और नए बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पार्टिकल जो वो आते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक पार्टिकल गया, उसके बाद हमने वापस से प्रेशर रिमूव करके वापस से प्रेशर लगाया, ठीक है, तो ये जो टाइम लैग होता है बीच का वो बहुत कम हो जाएगा,
और पहले से जो बबल्स बने हुए थे, ऐसे नहीं है कि दूसरा पार्टिकल आया तो वही बबल बने रह गए, वो बबल जो है ख़त्म हो जाएंगे और नए बबल्स बनेंगे। और इसमें जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा, यही एडवांटेज है हमारी किसकी, बबल चैम्बर की। तो चलिए दोस्तों, बबल चैम्बर के बारे में आपने ये सब कुछ जान लिया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके एडवांटेजेस सब कुछ हमने जान लिया, तो बबल चैम्बर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेरनकोव काउंटर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।